इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सेवन इंटीग्रल के एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टेन कर रहे हैं यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो यूजिंग सब्सटीट्यूशन करने हैं हमने जीरो टू वन डेफिनेट इंटीग्रल है एक्स अपोन एक्सक्वेयर प्लस वन इंटू डी एक्स यहाँ पे हमने पुट किया एक्स स्क्र प्लस वन को हमने टी पुट कर लिया ठीक है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम तो ये हो जाएगा टू एक्स वन का जीरो हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया ठीक है डी एक्स की वैल्यू या एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी डी टी अपॉन टू बट लिमिट भी यहाँ पे चेंज होंगी when एक्स इज इक्ल टू जीरो एक्स की वैल्यू जीरो है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे एंड वेन एक्स इज इक्वल टू वन टी वन का स्क्वेयर वन प्लस वन टी इजिकल टू टू तो ये हमारे पास जीरो टू वन एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स क्या बन जाएगा लिमिट हो जाएगी वन से टू एक्स डी एक्स की जगह हमारा हो गया डी टी अपॉन टू टू बाहर ले लिया हमने डी टी अपॉन टी हो गया इसका इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी एंड वन से टू हो गया ठीक है तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास वन अपॉन टू लॉग ऑफ टू माइनस लॉगरथम ऑफ वन एंड लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है सो दैट इज वन अपॉन टू लॉगरथम ऑफ टू इज योर आंसर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू जीरो टू पाई बाई टू रूट ऑफ साइन फाइव कोस की पावर फाइव डी फाइव यहां पे हमने पुट क्या किया साइन फाइव को हमने एक्सपुट कर लिया डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाइव सो साइन फाइव का क्या हो जाएगा कोस फाइव इंटू डी फाइव इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया डी एक्स हो गया तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं साइन फाइव कोस रेस टू पावर फोर फाइव कोस फाइव डी फाइव ताकि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन जाएगी डी एक्स बन जाएगी चेंज होंगी लिमिट भी हमारे पास वेन फाइव इज इक्वल टू जीरो अगर फाइव की इक्वल टू जीरो है दिस इंप्लाइज साइन ज़ीरो इजिकल टू एक्स सो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी वन फाई इजिकल टू पाई बाई टू मीन्स साइन पाई बाई टू इजिकल टू एक्स साइन पाई बाई टू वन होता है सो so, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी यहाँ पे सो so, हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी ज़ीरो से लेके वन ज़ीरो टू वन साइन फाइव रूट ऑफ एक्स हो गया रूट ऑफ एक्स कोस की पावर जो फोर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वेयर को जो थिट्टा होता है हमारा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना को स्क्र का स्क्वेयर दैट इज वन माइनस वन माइनस साइन स्क्वेयर स्क्वेयर थिटा का स्क्वेयर तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी वन माइनस एक्स स्क्र वन माइनस एक्स स्क्र का स्क्वेयर इन साथ में क्या हो जाएगा कोस फाइव डी फाइव का डी हो जाएगा ठीक है इसको सोल्व करेंगे जीरो टू वन रूट ऑफ एक्स ए माइनस बी का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी मीन्स टू एक्स स्क्र डी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो टू वन एक्स की पावर वन बाई टू है सो so यहाँ पे हो गया एक्स की पावर वन बाई टू प्लस एक्स की पावर वन बाई टू प्लस फोर वन बाई टू प्लस फोर एट नाइन बाई टू हो गया एंड माइनस टू एक्स की टू प्लस वन बाई टू तो फाइव बाई टू हो जाएगा और इन क्या हो गया डी हो गया अब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स की पावर वन और ऐड करेंगे वन बाई टू में एंड डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू प्लस एक्स की पावर वन और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये इलेवन बाई टू डिवाइडेड बाई इलेवन बाई टू माइनस टू एक्स की पावर सेवन अपॉन टू डिवाइडेड बाई सेवन अपॉन टू एंड लिमिट हमारी जीरो से लेके वन तक हो जाएगी ठीक है अब जब हम वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वन ऊपर तो वन ही रहेगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी दिस इज वन अपॉन वन अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन इलेवन अपॉन टू माइनस टू अपॉन सेवन अपॉन टू एंड जब लास्ट में जीरो पुट करेंगे माइनस सारा का सारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन इलेवन एंड माइनस फोर अपॉन सेवन एलसीएम हमारा हो गया थ्री इंटू इलेवन इंटू सेवन सेवेंटी सेवन इंटू टू वन फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी टू एंड माइनस थर्टी थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे वन थर्टी टू वन नाइन्टी सिक्स वन नाइन्टी सिक्स माइनस वन थर्टी टू थर्टी थ्री इंटू सेवन टू थर्टी वन 64 फोर अपॉन टू थर्टी वन इज ठीक है इंपॉर्टेंट था ये भी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो टू वन साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्सक्वेयर डीएक्स टू टेंजेंट थीटा अपॉन वन प्लस टें स्क्र थिएटा साइन थिएटा होता है तो हमें यहाँ से पता चल कि एक्स की जो वैल्यू है वो हमने स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा कर दिया हमने ठीक है अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट सीकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी तो यहां पर हमारे पास टू एक्स अपोन वन प्लस एक्स स्क्र इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा लिमिट भी हम चेंज करेंगे वैन एक्स इक्वल टू जीरो सो टेंजेंट थीटा क्या होगा हमारा टेंजेंट थीटा इक्वल टू जीरो किसके ऊपर होता है जीरो पे ही होता है दिस एम्प्लाइज थिटा इक्वल टू ज़ीरो वैन एक्स इक्वल टू वन मीन्स टेंजेंट थीट्टा इक्वल टू वन किसके ऊपर पाई बाई फोर पे सो so, थिटा की वैल्यू क्या होगी हमारी पाई बाई फोर होगी सो इंटीग्रल हमारा बन जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर जीरो टू पाई बाई फोर साइन इनवर्स टू टेंजेंट थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा एंड डी एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा दिस इज साइन टू थीटा जीरो टू पाई बाई फोर साइन इनवर्स साइन टू थीटा इंटू सिकेंड स्वयर थीट्टा डी थीटा कैंसल हो जाएगा टू हमने बाहर ले लिया जीरो टू पाई बाई फोर थीटा इंटू सिकेंड स्क्र थीट्टा डी थिट्टा अब दो फंक्शन आ गए हमारे पास इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन एंड देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा और लिमिट हमारे पास जीरो से लेके पाई बाई फोर है थीटा एज इट इज सिकेंड स्क्वेयर का टेंजेंट थीट्टा माइनस इंटीग्रेस डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा वन इन टू सिकेंड स्कटा का क्या बन जाएगा टेंजेंट थीटा एंड डी थीटा जीरो टू पाई बाई फोर थीटा टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट का या तो लॉग सिकेंट अदरवाइज माइनस लॉग ऑफ सिकेंड थीटा भी कह सकते हैं या फिर माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा अगर मैं माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा पुट करता हूँ तो प्लस लॉगरथम कोस थीटा एंड जीरो टू पाई बाय फोर वैल्यू हो जाएगी जब हम पाई बाय फोर पुट करते हैं तो पाई बाय फोर इंटू टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस लॉगरथम ऑफ कोस पाई बाई फोर माइनस जीरो जीरो इंटू टेंजेंट थीटा जीरो माइनस लॉगरथम ऑफ कोस कोस ज़ीरो की वैल्यू वन अगेन लॉग वन इज जीरो तो हमारे पास बचा क्या पाई अपॉन फोर टेंजेंट पाई बाई फोर की वैल्यू वन इंटू वन प्लस लॉग अर्थम कोस पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू टू छोड़ दिया हमने यहां पे टू बाहर रहेगा सभी में टू वन अपॉन रूट टू सो दिस इज टू ये हो जाएगा पाई बाय टू मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का टू लोगर्थम ऑफ कोस वन अपॉन वन अपॉन रूट टू ठीक है सॉरी कोस पाई बाय फोर कोस तो हमने लिखना ही नहीं ना अभी तो फिर कोस पाई बाय फोर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है वन अपॉन रूट टू सो वन अपॉन रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू की पावर वन अपॉइन टू वन अपॉइन्ट टू बाहर आ जाएगा पाई अपॉन टू प्लस टू इंटू वन अपॉइन टू लोगरथम ऑफ वन अपॉइन टू टू से टू कैंसल पाई बाई टू प्लस का लोगरथम वन अपॉन टू इज योअर आंसर ठीक है चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत